हेलो एवरीवन, आज है 25 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, एनबीसीसी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनी है ये और 37 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। काफी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड हुआ करता था और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी है ये, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनीज है और पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में भी रही है, क्योंकि देखिए इनके पैसे जो हैं वो भी फंसे हुए हैं और तो और काफी सारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनके हाथों में है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास काम नहीं है या फिर इनके प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली काफी सारे इनके चल रहे हैं और पैसा भी इनका काफी सारा फंसा हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनबीसीसी क्या हाल फिलहाल में सस्ता है कि नहीं, इसमें खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनबीसीसी, जिसके आप देख सकते हैं 37 रुपीज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने के अंदर एनबीसीसी का जो शेयर है उसमें 12% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। आप देखिए 41 रुपीज के आसपास का इसने हाई बनाया था, उसके बाद ये कंटिन्यूअस नीचे टूट रहा है। तेजी एक दिन तेजी आती है, दूसरे दिन गिरावट आती है, फिर तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर तेजी और फिर गिरावट। तो ये यहाँ पे खेल चल रहा है एनबीसीसी में। लेकिन 33 रुपए का लो है और आप देख सकते 40 रुपए से भी ज्यादा का इसने हाई बनाया हुआ है एनबीसीसी ने। और तो और एनबीसीसी की अगर हम बात करने जाए तो एनबीसीसी की जो स्थिति हाल फिलहाल में निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि पिछले एक साल में 35% से भी ज्यादा की गिरावट है। 67 रुपीज तक का हाई है और 29 रुपीज तक का लो बनाया था इसने। उसके बाद आप चार्ट देखेंगे तो तेजी और गिरावट और गिरावट और तेजी, तो यही चीज इसमें चल रही है। 3 साल में भी एनबीसीसी 50% तक टूट चुका है, 140 रुपए तक का हाई था। अब देखिए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट है और चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चार्ट आप देखिए स्पेशली 2018 के छठे महीने से आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तेजी और गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बड़ी रैली यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। तो ये एक दिक्कत की बात जरूर है कि जितनी गिरावट आई है उतना ज्यादा तेजी नहीं है। हालांकि 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 2012 से इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, 5 रुपए तक का लो भी है, 140 रुपए तक का हाई भी है। अब चार्ट देखिए बढ़िया यहां से ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन जितनी तेजी आई थी उतनी इसमें गिरावट भी हमें अब देखने को मिल रही है। देखिए मिड कैप स्टॉक है ये, 6,750 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। एनबीसीसी के जो नतीजे आए थे वो बहुत ही बुरे नतीजे थे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट मार्जिन इनकम माइनस में जा चुका है, नेट प्रॉफिट में 100 करोड़ का नुकसान है, नेट सेल्स में हालांकि 1,665 करोड़ के नेट सेल्स में 100 करोड़ का नुकसान है, जबकि पिछले क्वार्टर्स में 1,900 करोड़ के नेट सेल्स में इनको 50 करोड़ का फायदा हुआ था। पिछले साल 2,100 करोड़ के नेट सेल्स में इनको 70 करोड़ का फायदा हुआ था। तो देखिए दिक्कत बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन देखिए बहुत ही बुरी तरीके से गिर रहा है, 2.89, फिर 1.44, अब तो माइनस में चला गया है। तो ये दिक्कत जरूर है कि अगर हम बात करेंगे नतीजे की तो नतीजे अच्छे नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जरूर है। इसमें शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, 2.25% की होल्डिंग प्रमोटर की यहाँ पर गिरी है, जो पहले 68.18% की हुआ करती थी अब वो सिर्फ 65.93% की रह गई है। एफआईएल्स ने हालांकि अपनी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये एक अच्छा चीज यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। और तो और अगर हम बात करेंगे देखिए प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। 24 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 88 एफआईएस ने पैसा लगाया है और देखिए गवर्नमेंट स्टॉक है ये, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि गवर्नमेंट स्टॉक है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 65.93% की होल्डिंग ओन करते हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनके पास 6.55% की होल्डिंग है। एलआईसी के पास इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.55% की यहां पर देखने को मिली है। डिविडेंड इन्होंने इसी साल दिया है और अच्छा डिविडेंड दिया है, 65% का, मतलब पर शेयर आपको 65 पैसा मिला है, तो अच्छा डिविडेंड इन्होंने पे किया है।
अगर लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो एक नेगेटिव अपडेट ये है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि नेगेटिव अपडेट में ये है कि एनबीसीसी के ऊपर जो ड्यूज है एनबीसीसी हैज ओवर रुपीज 1660 करोड़ ड्यूज टॉवर्ड्स इट्स वेंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की तरफ से ये बताया गया है कि इतना ड्यूज बन रहा है वेंडर्स की तरफ से एनबीसीसी का। तो ये एक बड़ी अपडेट हम इसको कह सकते हैं। दूसरी अपडेट जो निकल कर आई है वो आम्रपाली ग्रुप के रिगार्डिंग है कि एनबीसीसी इश्यू टेंडर फॉर 7 स्टक प्रोजेक्ट ऑफ आम्रपाली ग्रुप। आम्रपाली ग्रुप के जो 7 प्रोजेक्ट जो बंद पड़े हुए थे उसके बारे में इन्होंने टेंडर इश्यू कर दिया गया है। देखिए एनबीसीसी है इश्यू टेंडर फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन 7 स्ट्रक प्रोजेक्ट और आम्रपाली ग्रुप ऑन मंडे, अ मूव दैट विल ऑफर रिलीफ अबाउट 9000 होम बायर्स इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। देखिए आम्रपाली ग्रुप के जो प्रोजेक्ट पिछले काफी समय से बंद करे हुए थे तो एनबीसीसी ग्रुप ने अभी इसका जो टेंडर है उसको इश्यू कर दिया गया है कि भैया हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उससे देखिए पिछले 9000 घरों के खरीदार जो है नोएडा और ग्रेटर नोएडा के, उनको एक रिलीफ यहां से जरूर मिलेगी शायद इससे। देखिए कि द सुप्रीम कोर्ट हैड अबाउट अ ईयर अगो आस्क्ड द स्टेट रन बिल्डर टू कंप्लीट 16 प्रोजेक्ट ऑफ आम्रपाली ग्रुप। इट हैज कंप्लीटेड वर्क ऑन 2 ऑफ दोस व्हिच विल बी हैंड ओवर सून टू द कोर्ट रिसीवर। तो देखिए 16 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोला गया था, 2 प्रोजेक्ट यहां पर ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट करे और जिन्होंने खरीदारी की है उसको वापस से ये दे दिया जाएगा। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ भी हाल फिलहाल में एनबीसीसी के पास और काफी सारे प्रोजेक्ट्स उनके बंद भी पड़े हैं, अटके हुए भी हैं। लेकिन एनबीसीसी देखिए गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपको बता दें कि हाल फिलहाल गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो कंपनीज है उसमें होल्डिंग बेच रही है, जैसे कि हमने भारत पेट्रोलियम के साथ देखा। तो उम्मीद भी ऐसी की जा रही है कि बेचने की लिस्ट में एनबीसीसी भी है। तो अगर गवर्नमेंट एनबीसीसी को किसी बड़े प्लेयर को बेचती है तो याद रखिए शेयर्स में एक भारी तेजी की हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, उसमें वक्त लगेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक दो दिन में अनाउंस करेगी या एक दो महीनों में अनाउंस करेंगी, ये कब होगा इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, इसके लिए वक्त काफी ज्यादा लगेगा। लेकिन तब तक जो सबसे बड़ी दिक्कत है एनबीसीसी की वो ये है कि नतीजे इनके बहुत ही बुरे आए हैं, तो कम से कम हमें नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा जब नतीजे इनके अच्छे आए, या तो फिर अच्छी खबरें जैसे कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन हो जाए, या फिर इनका जो पैसा जहां पर फंसा हुआ है वो पैसा इनको मिल जाए, तो वो सारी जो खबरें हैं वो इसमें तेजी का काम कर सकती है। पी थोड़ा सा हाई है इनका, देखिए 29.76 का पी है जबकि इंडस्ट्री भी 21.84 के करीब का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 8.69 है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो 4.32 है। डिविडेंड की बात करेंगे तो देखिए 65% का डिविडेंड है, ईपीएस 1.26 है और डिलीवरीज है वो 17 के करीब की डिलीवरीज है। फेस वैल्यू इसकी 1 की हमें देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग इसमें खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 16% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं, 4% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। हाल फिलहाल में एनबीसीसी के लेकर काफी ज्यादा अगर प्राइस करें, आज की अगर हम बात करें कि शेयर्स में तेजी क्यों थी, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर्स है वो जीता है, ऑर्डर उनको काफी बड़ा ऑर्डर्स मिला है और इसकी वजह से शेयर्स में एक तेजी भी हमें देखने को मिली है। अगर मैं आपको न्यूज भी दिखाऊं तो यहाँ पर न्यूज ये है कि एनबीसीसी शेयर प्राइस गेन 2% इंट्राडे ऑन नवंबर 20, जो पहले की बात है, पुरानी न्यूज है, क्योंकि उनको 500 करोड़ के बिल्ड और म्यूजियम दिल्ली में म्यूजियम बिल्ड करने का उनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका वैल्यूएशन तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का था, तो तब इसमें 2% का गेन भी देखने को हमें मिला था। यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए कर्जा इनके ऊपर 1 रुपए का भी नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि कर्जा नहीं है इनके ऊपर, कर्जा 1 रुपए का भी नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी की हालांकि कोई होल्डिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड काफी अच्छी खासी होल्डिंग इसमें बना रहे हैं, FIs ने भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी इंक्रीज की है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि एनबीसीसी हाल फिलहाल में अगर हम जिन्होंने खरीदा हुआ है तो पैनिक ना करें, वेट करें और बेचने के लिए जल्दबाजी ना करें।
जिन्होंने नहीं खरीदा है उनको भी मैं कहूंगा कि वेट करें, खरीदने के लिए जल्दबाजी ना करें, स्थिति को साथ थोड़ी क्लियर और होने दें। और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं वही लोग एनबीसीसी में अपना पैसा लगाए, और अगर आप लगा भी रहे हो तो एसआईपी मोड में खरीदारी करें, एक साथ सारा का सारा पैसा ना लगाए, क्योंकि आपको इसमें एवरेजिंग करने की भी जरूरत पड़ेगी। शेयर का जो प्राइस है वो आपको आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से, जैसे कि अगर मैं पिछले 3 साल का डेटा निकालूं तो इसी तरीके से, स्पेशली आप अगर जो रेड लाइन में आप देख रहे हो इस बिल्कुल ऐसा ही आपको मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप खरीदारी हाल फिलहाल में थोड़ी सी अवॉइड करें, लेकिन कर भी रहे हो तो एसआईपी मोड में खरीदारी करें, और जिन्होंने खरीदा हुआ है वो निवेशित रहे, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है, आप अपने हिसाब से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, और एनबीसीसी के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।